आज पहले देखो चैप्टर नंबर 17, हाँ, इसके अंदर में बहुत सारा लेबर लॉस दिया हुआ है, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, बोनस। तो ओल्ड सिलेबस में इसका एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता था, ठीक है, ओल्ड सिलेबस में पूरा एक सब्जेक्ट होता था, उसको हम लोग ILGL बोलते थे, इंडस्ट्रियल लेबर लॉस, जनरल लॉस, पूरा एक अलग से सब्जेक्ट था। ये हम लोग का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के अंदर में सारा लॉस दिया होता, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस, ये सब। और हम लोग को यहाँ पे भी वही सेम चीज पढ़ना है। तो बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, बट उतने डिटेल में नहीं दिया हुआ, समझ में आ रहा है। हम लोग SBEC के बुक में के एक्ट बहुत सारा डाल दिया है, बट उतने डिटेल में नहीं है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, नया पुराना दोनों बुक को रेफर करते हुए चलेंगे। हम लोग में जो टॉपिक दिया हुआ है सिर्फ उतना ही टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। जैसे तुम लोग का देखो यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट जो है सिर्फ 1 और 2, हाँ 1.5 पेजेस दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे फॉर्म का नंबर दिया हुआ है, सिर्फ डेढ़ पन्ने का तुम लोग का फैक्ट्रीज एक्ट है। जबकि ओल्ड सिलेबस में तुम लोग का फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो अराउंड 47 पेजेस का फैक्ट्रीज एक्ट था, यहाँ पे सिर्फ डेढ़ पन्ने का है, ठीक। तो अपने को क्या है, समराइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है, बट सारे का सारा चीज समरी फॉर्म में नहीं पढ़ना है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो डिटेल में आ सकता है, करेक्ट ना। सबसे पहला दिया हुआ फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा, फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा। अभी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, उससे पहले तो हम लोग ये समझ लेते कि फैक्ट्री क्या होता है, व्हाट इज अ फैक्ट्री। चलो फैक्ट्री का डेफिनेशन पहले देख लेते, व्हाट इज अ फैक्ट्री। सी, फैक्ट्री का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है यहां पे, फैक्ट्री इंक्लूड्स एनी प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेसिंग्स देयर ऑफ, इट इंक्लूड्स एनी प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेसिंग्स देयर ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि ये जमीन है और इस जमीन के ऊपर में ये बिल्डिंग बनाया हुआ है, तो फैक्ट्री हम लोग किसको बोलेंगे, इस बिल्डिंग को या इस पूरे प्रेमाइसेस को, पूरे प्रेमाइसेस को। मतलब कि फैक्ट्री जरूरी नहीं है कि इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फोर वॉल्स, जो खाली जमीन है ना, इस खाली एरिया को भी क्या बोलेंगे, फैक्ट्री बोलेंगे, ठीक है। फैक्ट्री मीन्स एनी प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेसिंग्स देयर ऑफ, सब कुछ को हम क्या बोलेंगे, फैक्ट्री बोलेंगे। बट उसका रिक्वायरमेंट क्या है, सर अगर आप यहाँ पे चार दीवार के अंदर में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो इसको फैक्ट्री बोलेंगे क्या, बोला नहीं। फैक्ट्री के लिए जरूरी क्या है कि इस पूरे के पूरे जमीन में या बिल्डिंग के अंदर में क्या होना चाहिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए। पर सर मेरा जो इतना बड़ा जगह है, इतना बड़ा जो जगह है, सिर्फ इतने से पोर्शन में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, बाद बाकी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, तो क्या फैक्ट्री बोलेंगे। यस, इस पूरे जगह को क्या बोल देंगे, मतलब कि सर पूरे जगह पे मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कहां पे होना चाहिए, इन एनी पार्ट ऑफ द फैक्ट्री। कहां लिखा है बात, इन एनी पार्ट ऑफ विच अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन। तो सर साल भर नहीं चलता, हम लोग ना छाता मैन्युफैक्चर करते हैं, अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो सिर्फ 3-4 महीना बनाते हैं तो भी फैक्ट्री बोलेंगे, या 3 महीना फैक्ट्री बोलेंगे, बाद में 9 महीना नहीं बोलेंगे, ऐसा करेंगे। बोला नहीं, उसको साल भर क्या बोलेंगे, भाई साल भर मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कब होना चाहिए, साल के दौरान कभी भी। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन और इज ऑर्डिनरली सो कैरिड ऑन, या फिर नॉर्मली वहां पर ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता है। बात समझ में, प्लस सर हम क्या करते हैं, हम एक जगह पे अम्ब्रेला मैन्युफैक्चर करते हैं, चार लोग आकर के काम करके जाते हैं, तो उसको फैक्ट्री बोलेंगे क्या, बोले नहीं। वेयर ऑन हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग, 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग, प्लस सर कहां,
मजाक कर रहे हैं, 31 मार्च को देखिए ऐसे अब 9 लोग है, 4 लोग को काम से निकाल दिए, तो आदमी इतना होशियारी भी कर सकते हैं कि साल भर कितने लोग थे, 10, और 31 मार्च को वो क्या किया, 4 लोग को निकाल दिया। बोला सर 10 लोग थोड़ी है, हम तो 6 लोग के साथ काम कर रहे हैं। बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, पूरे साल भर में अगर एक दिन भी 10 लोग थे तो तुमको क्या माना जाएगा, फैक्ट्री माना जाएगा। ये बात ना लिखा है, वेर ऑन 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग और वेर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीना के अंदर एक दिन भी अगर काम कर रहे थे तो भी तुमको क्या मानेंगे, फैक्ट्री। अब यहां पे और एक बात लिखा है, विथ द एड ऑफ पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब यहां पे सिर्फ मैनुअल वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी हो रहा है। अब जिससे मान लो बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बीड़ी बना रहे, तो बीड़ी बनाने में तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम है नहीं, मान लो कुछ लोग बैठे हैं, पत्ता को रोल कर रहे, तंबाकू भर रहे उसमें, तो वहां पे 10 लोग काम करने से चलेगा क्या, मतलब नहीं, वहां पे कम से कम कितना लोग काम करना चाहिए, 20। बाद में सब कुछ कहां लिखा है, या फिर वेयर ऑन 20 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग और वेयर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स एंड जिस प्रेमाइसेस के किसी भी हिस्से में इन एनी पार्ट ऑफ विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन और ऑर्डिनरली कैरिड ऑन विदाउट द एड ऑफ पावर, मतलब अगर हम सिंपल सिंपल सा बात करें, सिंपल सिंपल से बात करें तो फैक्ट्री का मतलब क्या निकल के आता है, व्हाट इज अ फैक्ट्री, तो सर या तो आप पावर यूज करते हैं या फिर पावर यूज नहीं करते, तो पावर यूज करते हैं तो कितने लोग काम करेंगे, मिनिमम 10, नहीं करते तो मिनिमम 20, कब काम करते हैं, एनी डे ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, कोई टेंशन, कहां काम करते हैं, वर्किंग इन एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंट स्टेट ऑफ, और इसमें क्या होना चाहिए, इन एनी पार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन और ऑर्डिनरली कैरिड ऑन, याद रहेगा सर, फैक्ट्री में या तो आप पावर का इस्तेमाल करते हो या तो नहीं करते हो, करते हो तो कितना लोग का काम करना जरूरी है, मिनिमम 10, नहीं करते तो मिनिमम 20, और प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेसिंग स्टेयर ऑफ, जिसके किसी भी हिस्से में, जिसके किसी भी एरिया में आपने कैसा प्रोसेस किया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया है, प्रोटेक्शन या तो करते हो या कभी भी नॉर्मली वहां पर ऐसा काम होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब फैक्ट्री बोलेंगे। अभी याद रहते हैं SBEC का बुक में अपना, पहला लिखा हुआ एनी प्रमाइसेस वेर ऑन 10 और मोर विद द एड ऑफ पावर या 20 और मोर वर्कर्स आर और वेयर विदाउट द एड ऑफ पावर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स वेर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ ना छूटा हुआ चीज है, यहाँ पे ऑर्डिनरली कैरिड ऑन वाला बात नहीं लिखा हुआ है, प्रमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेसिंग स्टेयर ऑफ वो बात यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो वो सब हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, या फिर इस चीज का एक फोटोग्राफ ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी कर लेना, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ माइन सब्जेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ माइंस एक्ट। बोले एक ऐसा माइन है जो कि माइंस एक्ट के अंदर में फॉल करता है, तो उसको माइन बोलेंगे फैक्ट्री नहीं बोलेंगे,
या फिर a mobile unit belonging to the armed forces of union, armed forces of union, इंडिया का जो जवान लोग है उन लोग कुछ काम में लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या नहीं बोलेंगे, फैक्ट्री नहीं बोलेंगे, उन लोग को एक हायर कैटेगरी में रखा गया, उनको मजदूर लोग का दर्जा नहीं देंगे हम लोग। और अ रेलवे रनिंग शेड या होटल रेस्टोरेंट ईटिंग प्लेस, इन सब चीजों को हम लोग फैक्ट्री नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, ठीक। किस किस चीज को नहीं बोलेंगे, माइन, आर्म्ड फोर्सेस, होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस और रेलवे रनिंग शेड, इन चीजों को हम लोग फैक्ट्री नहीं बोलेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं प्रमाइसेस, जहां पे लिखा वहां पे लिख दो इंक्लूडिंग द प्रेसेंट्स कैरेड ऑन और ऑर्डिनरीली कैरेड ऑन, करेक्ट। फिर यहीं पे लिख देंगे डज नॉट इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड नहीं करता भाई, बताओ क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, रेलवे, रेलवे रेस्टोरेंट, आम यूनियन फोर्सेस। सबसे पहले क्या था, माइन, अंडर द माइंस एक्ट, नहीं तो मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, नहीं तो रेलवे रनिंग शेड और होटल रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस, इन सब चीज को हम लोग फैक्ट्री नहीं बोलेंगे। कोई टेंशन इसमें, यहां पे लिखा हुआ एम्प्लॉयर टू इंश्योर हेल्थ ऑफ वर्कर्स पर्टेनिंग टू, नीचे बहुत सारा चीज दिया हुआ ना, फैक्ट्रीज एक्ट बनाया क्यों गया, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट, व्हाई फैक्ट्रीज एक्ट वाज इनएक्टेड, तीन चीजों के लिए, हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर ऑफ हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, किसके लिए बनाया गया, फॉर द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, इनकी भलाई के लिए बनाया गया। तो यहां पे वही लिखा हुआ कि हेल्थ के लिए क्या क्या काम किया, सेफ्टी के लिए क्या क्या काम किया और वेलफेयर के लिए क्या क्या काम किया, नीचे लिखा हुआ है सर, ठीक है। तो हम लोग यहां से नहीं पढ़ के ना फिर से हम लोग यहां चले जाते हैं, ओल्ड बुक में चले जाते हैं, वहां पे और बेटर तरीके से दिया हुआ है। उसको जाने से पहले कुछ छोटा छोटा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। यहां पे लिखा हुआ अडल्ट, अडल्ट का मतलब क्या हुआ, हु हैज कंप्लीटेड हिज, इसका 18 साल पूरा हो चुका है, समझ में आया, कंप्लीटेड इज 18th ईयर। एडोलसेंट हु हैज कंप्लीटेड हिज 15th ईयर बट नॉट कंप्लीटेड हिज 18th ईयर, समझ में आ रहा है, 15 पार हो चुका है, जो 15 के नीचे है उसको क्या बोलेंगे, चाइल्ड, child means who has not completed 15 years, ठीक। कोई टेंशन इसमें, hazardous proceeding, young person, young person का मतलब क्या, it includes both child and
adolescent, who is either a child or adolescent. Day, week, power, prime mover, machinery. मेरे को एक चीज बताओ हाँ, कि मान लो ये नदी का किनारा है, समंदर का किनारा है ठीक, और लोग क्या करते हैं समंदर के किनारे पे यहां पे ही छोटा छोटा नमक का वो बनाया, ये क्यूब्स जैसा ठीक, और वहां पे यहां पे लोग क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सॉल्ट ठीक, समंदर के किनारे पे हम लोग क्या बना रहे हैं नमक बना रहे हैं, तो कोई बिल्डिंग है, कोई मशीन है, तो क्या फैक्ट्री है, विदाउट द एड ऑफ पावर 20 और मोर पर्सन्स आर वर्किंग ऑन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आइदर ऑन अ प्रेमाइसेस और इट्स प्रेजेंट्स, बिल्डिंग का होना जरूरी नहीं है, इवन एन ओपन लैंड कैन बी अ फैक्ट्री, समझ में आता है, इतना बात समझ में आता है ना, ओपन लैंड भी क्या हो सकता है फैक्ट्री हो सकता है। चलो अब यहाँ पे जो हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर मेजर्स है ना बहुत सारा, हम लोग को बहुत डिटेल में दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग बहुत डिटेल में उसको पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ हम लोग उसका हेडिंग पढ़ लेंगे ठीक। देखो measures to be taken by the factories for health, safety and welfare of workers. Health का बात chapter number 3 में लिखा हुआ है ठीक, factories act का 3rd chapter में लिखा हुआ, इसके बाद health का बात। अब health के लिए क्या क्या point है, तो हम लोग बहुत ज्यादा detail में नहीं पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, factory क्या ensure करेगा कि आप लोग factory को क्या रखते हैं साफ सुथरा रखते हैं, clean रखते हैं, नीचे बहुत कुछ लिखा हुआ है कि आपको हफ्ते में कितना बार झाड़ू लगाना है, कितना बार पोछा लगाना है, ये सब सब लिखा हुआ है यहाँ पे, मजाक नहीं कर रहे तो हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, भी फॉलो करना पड़ता है, सब लिखा हुआ है, देखो व्हाइट वॉश और कलर वॉश एटलीस्ट वंस इन एवरी, पुट्टी पुचाड़ा कब कराना लिखा हुआ है, सरफेस इज बीन पेंटेड तो 6 महीने में सफाई करेंगे, बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर लिखा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, जो कूड़ा कचरा होगा उसको इकट्ठा मत करके रखना, देखते हैं वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, हाँ कि वेंटिलेशन वहां पे प्रॉपर रखना, गर्मी ना हो जाए, डस्ट एंड फ्यूम, धूल वूल ना उड़े वहां पे, उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स ले लेना, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब कि अगर वहां पे ह्यूमिडिटी नहीं है तो आप आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन मशीन से थ्रू ह्यूमिडिटी क्रिएट करने का कोशिश करेंगे ठीक। ओवर क्राउडिंग, कोशिश करना कि वहां पे छोटा सा जगह में 10 लोग को खड़ा करके काम मत करवाना, ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, तो यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि मिनिमम वर्किंग स्पेस फॉर ईच वर्कर शुड बी 14.2 क्यूबिक मीटर, एक इंसान को 14.2 क्यूबिक मीटर कम से कम देना पड़ेगा, जहां पे काम कर रहा है उसके माथे के द स्पेस मोर देन 4.2 मीटर्स अबव द लेवल ऑफ फ्लोर विल नॉट बी टेकन इनटू, बहुत कुछ लिखा है हमको, ये सबसे मतलब नहीं, हमको सिर्फ हेडिंग से मतलब है। फिर लाइटिंग, बेचारों को अंधेरा में काम मत करवाना, नेचुरल लाइटिंग आर्टिफिशियल कैसा भी उनको रोशनी प्रदान करना, यही तो तुम्हारे जीवन का पहला लक्ष्य है। ड्रिंकिंग वाटर ठीक, उनको क्या देना, साफ पीने का पानी देना, और अगर वहां पे 250 से ज्यादा लोग हैं तो उनके लिए ठंडा पानी का व्यवस्था करना, बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए बहुत जगह जाओगे तो ऐसे ठंडा पानी का मशीन लगाया जाता है, लोग खुद से नहीं लगाते। फिर एक बहुत अच्छा सा बात लिखा है, हर एक फैक्ट्री में इन सब चीजों का व्यवस्था होना चाहिए, ये नहीं बोलेगा कि लोटा उठाओ और भाग जाओ बाहर, ऐसा मत बोलना, अपने फैक्ट्री में ये सब इंतजाम करके रखना, समझ में आया, मेल फीमेल के लिए अलग अलग बनाना,
ठीक, बहुत कुछ लिखा है ठीक, कि अगर 250 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो इंटरनल वॉल्स जो है अप टू 90 सेंटीमीटर का होना चाहिए, दीवार मजबूत बनाओगे, कहीं एक साथ सब चपटा मार दे तो दीवार ना टूट जाए, समझ में आया? और स्पिटून्स, थूकदान बनाओगे थूकने के लिए, ठीक। तो बहुत सारा बात लिख दिया है यहाँ पे, हम लोगों से हेडिंग से मतलब है। हेल्थ के लिए क्या क्या देखेंगे हम लोग, क्लीनलीनेस मेंटेन करेंगे, कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम ब्रेक दिया करेंगे भैया, टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे, वेंटिलेशन लगा के रखेंगे, डस्ट एंड फ्यूम का हिसाब रखेंगे, अगर ह्यूमिडिफिकेशन नहीं है तो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन भी देंगे हम आपको, राइट। प्लस ओवरक्राउडिंग नहीं करेंगे, इसके अलावा रोशनी प्रदान करेंगे, पीने का पानी देंगे, 250 लोग तो ठंडा पानी देंगे गर्मी के मौसम में, फिर छीछी पीपी के लिए भी हम लोग जगह बना के रखेंगे, और अगर 250 लोग है तो 90 सेंटीमीटर, ठीक है, और थूकने के लिए भी व्यवस्था बना के रखेंगे। ये कैसा मैटर हो गया, दीज वर हेल्थ मेजर्स। अब आएंगे सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स कौन सा चैप्टर में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 4, वो थर्ड चैप्टर में था, ये फोर्थ चैप्टर में। नाउ सेफ्टी मेजर्स क्या लिखा है, फेंसिंग ऑफ मशीनरी, मशीनरी के सामने ना घेरा लगा के रखना, ऐसे खुले में मत रखना, ठीक, किसी को नुकसान हो सकता है ना, सेफ्टी पर्पसेस के लिए। देखो यहाँ पे हेल्थ नहीं बोल रहे, यहाँ पे क्या बोल रहे, सेफ्टी। फिर क्या बोल रहे, सेफ्टी मेजर्स इन केस ऑफ वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, ये सब अभी अपने को करने का जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन, डेंजरस मशीन जिसमें कि नुकसान होने का चांसेस ज्यादा है, यंग पर्सन को वहां पे काम करने मत दें, या फिर उनको सफिशियंट ट्रेनिंग दे करके एडिक्वेट सुपरविजन के अंदर ही काम करना अलाउ करना, समझ में आया, खुद से मत छोड़ देना कि जाओ बेटा डेंजरस मशीन में काम करो, ठीक, किसी के देखरेख में काम करेगा। सेल्फ एक्टिंग मशीन्स, सेल्फ एक्टिंग मशीन्स क्या होता है, जो खुद से काम कर रहे हैं ऑटोमेटिक, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, प्रिकॉशंस लेके चलना है कि वो खुद से किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स। कॉटन ओपनर क्या होता है, देखो ऐसे ना समझ में नहीं आएगा कॉटन ओपनर क्या होता है, हम दिखा देते हैं यहां से डायरेक्ट। कॉटन ओपनर एक मशीन होता है, ठीक, बहुत ही डेंजरस दिखने में होता है वो, ये सब पॉइंट्स को एलाबोरेट करके, नहीं एलाबोरेट नहीं करना है, तो बस हम तो फिर भी ज्यादा बता रहे हैं। देखो ये जैसे है ना, दिस इज अ कॉटन ओपनर मशीन, हाँ बोलते ये डेंजरस नेचर का मशीन है भाई, इसके आसपास भटकने मत देना। हॉइस्ट्स एंड लिफ्ट्स क्या प्रॉपर इसको वो करके रखना, लुब्रिकेंट्स वगैरह दे करके, पता जब फंस फंस के आदमी ऊपर चढ़ा ऊपर ही रह गया, फिर आया ही नहीं, ऐसा एक बार नीचे गिरा। लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स होता है ना कि वो किसी एक चीज से उठा करके यहां से सामान रख रहे, तो उसको भी ढंग से मेंटेन करके रखना लोगों की सेफ्टी के लिए, पता चला कि एक सामान यहां से उठाया बीच में उसका हैंडल ढीला हो गया, किसी के माथे पे सामान गिरा, वैसा मत करना। सेफ्टी मेजर्स इन केस ऑफ यूज ऑफ रिवॉल्विंग मशीनरी, रिवॉल्विंग मशीनरी मतलब, अरे देखा है ना बिस्किट बन रहा है, बिस्किट यहां से चलते चलते कहीं पे जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि उसमें कोई टॉम एंड जेरी वाला लोग बैठ जाए, उसके ऊपर भी रबर बना करके उसे भी बना दे, दिखाता ना कार्टून में, तो जो रिवॉल्विंग मशीनरी है उसी केसेस में भी कुछ आपको सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए। फ्लोर स्टेयर्स मींस ऑफ एक्सेस, सीढ़ी वगैरह प्रॉपर बनाना, स्लिपरी मत बना देना, फिसल के गिर ना जाए। पिट सम्स ओपनिंग्स एंड फ्लोर्स, पता चला कि कहीं पे जमीन में एक नाला का गड्ढा था, पिट बनाया हुआ था, उसको खोल के रखा है और ऊपर से अंधेरा भी है, तो लोग चलते चलते फैक्ट्री की जगह सीधा नीचे चला जाएगा, समझ में आया।
ध्यान देना कि भाई अगर एक लिफ्ट है उसमें 40 किलो सामान जा सकता है तो एक्सेसिव वजन उसमें मत चढ़ाना। प्रोटेक्शन ऑफ आईज, आईज के प्रोटेक्शन के लिए उनको क्या देना, ग्लासेस देना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स गैसेस एक्सेट्रा, बहुत कुछ लिखा हुआ है, देखो अब हम और नहीं पढ़ा सकते इसमें, एक चीज खाली पढ़ाना बस, सेफ्टी ऑफिसर्स। अगर आपके यहां पे कितने लोग हैं, मिनिमम 1000 लोग हैं, तो आपको एक अलग से आदमी रखना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेफ्टी ऑफिसर, वो उन लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखेगा। लोग खुद से तो करेंगे नहीं, वही रखेगा, एक इंसान 1000 लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखेगा। हाँ, तो उसको कोई काम मतलब थोड़ी है, वो तो यही देख रहा है ना कि प्रॉपर्ली सब में लुब्रिकेटेड है या नहीं है, स्लिपरी चेहरा तो नहीं है, मतलब सीढ़ी तो नहीं है, ठीक है। वेलफेयर का बात कौन सा चैप्टर में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 5। अब वेलफेयर का बात तो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है कि भाई वो लेबर जो है सारे दिन तुम्हारे फैक्ट्री में पड़ा रहता है, लेबर सारे दिन तुम्हारे फैक्ट्री में पड़ा रहता है, तो आप उसकी भलाई के लिए वहां पर उसको कैसा फैसिलिटीज दो, धोने का फैसिलिटीज, कपड़ा धोने का फैसिलिटीज, ठीक, ज्यादा नहीं सोचने का। तो हम लोग क्या देंगे उसको, कपड़ा धोने का फैसिलिटीज। बोला कि सर धो तो लिया, सुखाएंगे कहां। बोला अरे टेंशन मत लो, हम तुमको सुखाने का भी फैसिलिटीज देंगे, ठीक है। तो कपड़ा धोने के साथ साथ उसको सुखाने का भी फैसिलिटीज देंगे और रखने का भी फैसिलिटी देंगे। तो एक इंसान बोला सर सारा दिन खड़ा होकर काम करते रहेंगे, घोड़ा समझ लिए क्या। बोले कि नहीं नहीं, बैठने का भी फैसिलिटीज है। फिर है सर चोट लग जाएगा तो, बोला हर 150 लोगों के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स वहां पे रहेगा, 1 फर्स्ट एड बॉक्स फॉर एवरी 150 पर्संस। और 500 लोग अगर काम करते हैं तो आपके यहां पे क्या खड़ा रहेगा, एम्बुलेंस। और अगर 500 लोग काम करते हैं तो एम्बुलेंस रूम भी रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, आ जाओ हो गया हो गया। कैंटीन, बोले कि अगर आपके यहां पे कितने लोग हैं, 250 लोग हैं, तो उनको शांति से चैन से बैठ के खाने का एक जगह प्रोवाइड करना, कैंटीन प्रोवाइड करना, शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम, ठीक। अब क्या बोल रहे, अगर 150 लोग हैं आपके यहां पे तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा, शेल्टर या रेस्ट रूम, जहां के लोग जाकर के थोड़ा देर आधा घंटा नींद नींद ले सके, थक गए थोड़ा सा, ठीक। क्रीचर्स, व्हाट इज क्रीचर्स, क्रीच क्या होता है बोलो, फैक्ट्री वाला बच्चा जहां पे की मान लो कि कोई एक औरत काम कर रही है, उसका छोटा बच्चा वगैरह है, तो घर में छोड़ के आ नहीं सकती, तो वो बोले कि भाई हम यहाँ पे ले आते हैं, तो आप अपने फैक्ट्री में उसको कैसा चीज दोगे, क्रीचर्स का फैसिलिटी दोगे। लेकिन आपके यहाँ पे कम से कम कितने लोग काम करने चाहिए, 30 वेमेन वर्कर, और कितने साल के बच्चे को लेके आएगी, 6 साल के, 18 साल का अलग अलग बच्चा है, रख लीजिए क्रीच में, ऐसा नहीं चलेगा। 30 वुमेन हो सकती, जरूरी नहीं सबके पास बच्चा ही हो। नहीं, फिर वेलफेयर ऑफिसर, अगर आपके यहां पे 500 लोग काम करते हैं तो क्या आपको रखना पड़ेगा, ये वेलफेयर ऑफिसर भी रखना पड़ेगा। 1000 लोग पे सेफ्टी ऑफिसर रखना पड़ेगा, 500 लोग पे वेलफेयर ऑफिसर रखना पड़ेगा, हेल्थ ऑफिसर का कोई बात लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। फटाफट से देख लो वापस से एक बार, हाँ पूरा 1000, 1000 लोगों के लिए सेफ्टी ऑफिसर और वेलफेयर 500 के लिए। वेलफेयर ऑफिसर, वेलफेयर के बारे में बात करेंगे तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज देना है, धोने का, सुखाने का, सुखाया हुआ चीजों को रखने का, बैठने का, फिर फर्स्ट एड, 150 लोगों पे एक फर्स्ट एड बॉक्स होगा, और अगर 500 लोग काम करते हैं तो एक एम्बुलेंस रूम बनाना पड़ेगा, कैंटीन, 250 लोगों के लिए कैंटीन देना पड़ेगा, अगर 150 लोग काम करते हैं तो उनको रेस्ट करने का एक प्लेस दीजिए,
अगर 30 वेमेन घर का काम करते हैं तो क्रीच बनाना पड़ेगा आपको, और उसमें क्या है, कितने साल का बच्चा लेके आओगे? 6 साल। ठीक, वेलफेयर ऑफिसर 500 लोग पूछिए। 6 साल से छोटा बच्चा नहीं हो सकता, 6 साल तक का हम उसका बर्थडे का इंतजार करेंगे, बेटा तुम 6 साल का क्या, चलो तेज माँ के पास। तो देखो यहां पे ना यही लिखा हुआ है, हेल्थ सेफ्टी और नीचे वेलफेयर। तो यहां बहुत कुछ लिखा हुआ है, उससे बढ़िया है तुम लोग यहां से खाली हेडिंग इसका नोट डाउन कर लो। हेडिंग दिया हुआ है ना, सारा नहीं दिया हुआ है, सारा नहीं दिया हुआ है। देखो जी सर, वेलफेयर मेजर्स में वॉशिंग दिया हुआ है, स्टोरिंग ड्राइंग दिया हुआ है, सिटिंग दिया हुआ है, फर्स्ट एड अप्लायंस दिया हुआ है, वन बॉक्स पर 150 वर्कर वहां पे लिख दो, कि 500 वर्कर पे एम्बुलेंस रूम। ठीक है, 500 वर्कर के लिए एम्बुलेंस रूम भी देना पड़ेगा, 250 वर्कर है तो कैंटीन देना पड़ेगा, और वेलफेयर ऑफिसर का बात लिखा हुआ। अच्छा, नेक्स्ट पेज में लंच रूम, वेमेन वर्कर लिखा हुआ है, यहां पे लिख दो अप टू 6 इयर्स केड। सेफ्टी मेजर्स है वहां पे लिख दो, कि 1000 वर्कर के लिए मेरे को क्या रखना पड़ेगा, सेफ्टी ऑफिसर रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1000 वर्कर से तो क्या रखना पड़ेगा, सेफ्टी ऑफिसर रखना पड़ेगा, राइट। ऊपर क्या क्या है, देखो ऊपर प्रॉब्लम क्या हो गया, ऊपर वो लोग का ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, क्लीनलीनेस के बाद में यहां पे सेपरेट पॉइंट है, फिर वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर के बाद में ये सेपरेट पॉइंट है, ओवरक्राउडिंग एक अलग पॉइंट है, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन अलग पॉइंट है, लाइटिंग अलग पॉइंट है, ड्रिंकिंग वाटर अलग पॉइंट है, स्पिटून्स अलग पॉइंट है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज द लेवल ऑफ मॉइस्चर दैट इज इन द एयर। अगर एयर में मॉइस्चर नहीं है, हवा में अगर मॉइस्चर की कमी है, तो हम आर्टिफिशियली मशीन से थ्रू मॉइस्चर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो हीट गर्मी से काम नहीं कर पाएगा। तो इस टॉपिक के अंदर अपने को लास्ट एक चीज पढ़ना है खाली, वर्किंग आवर्स। ठीक, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा यहां पे हमको नहीं पढ़ना है, जितना यहां दिया हुआ है उतना ही देखेंगे, उससे ज्यादा नहीं देखना है। तो एक इंसान मैक्सिमम कितना घंटा काम करेगा, 48 आवर्स इन अ वीक। एक हफ्ते में उससे मैक्सिमम कितना काम करा सकते हैं? तो सर एक काम करते हैं, 2 दिन काम करा के छोड़ देते, 24 घंटा 24 घंटा, 5 दिन छुट्टी दे देंगे, चलेगा? नहीं। एक दिन में मैक्सिमम कितना काम करा सकते हो? 9 घंटा। डेली आवर्स नॉट मोर देन 9 आवर्स। एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराओगे, समझ में आया? तो सर वो क्या कोई रोबोट है क्या, नॉन स्टॉप 9 घंटा काम करते जाएगा, अभी उसको ब्रेक नहीं देंगे? चलो ब्रेक देंगे ना, एटलीस्ट कितना ब्रेक देंगे, आधे घंटे का ऑन वर्किंग पर। तुम 5 घंटा काम करोगे उसके बाद तुमको मिनिमम कितना घंटे का ब्रेक देंगे, आधा घंटा का। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम बदमाशी कर रहे हैं, ले काम कर, 1 घंटा काम कर फिर आधा घंटा का ब्रेक ले, फिर 1 घंटा काम कर और आधा घंटा का ब्रेक ले। तो मतलब कि तुम 9 घंटा काम करेगा और 4.5 घंटा ब्रेक लेगा, तो टोटल मिला के कितना घंटा है तुम यहां पे, 13.5 आवर्स। तो तुम तो मेरे फैक्ट्री में 14 घंटा बिता दिए ऑलमोस्ट, नॉट अलाउड। आपका काम और ब्रेक दोनों मिला के मैक्सिमम 10.5 आवर्स, ठीक है, नॉट मोर देन 10.5 आवर्स। मतलब कि 9 घंटा तो तुमको एक दिन में करना क्या है, काम करना है, सिर्फ काम करना है, रेस्ट भी मिलेगा हमारे को 5 घंटे के बाद, हम कम से कम आधा घंटा का रेस्ट लेंगे, तो हिसाब से तुम्हारा 9.5 घंटे में काम हो जाना चाहिए।
जरूरी कि आधा घंटा का रेस्ट देंगे, हम एक घंटा का भी रेस्ट दे सकते हैं, समझ रहे हैं, हम दिन में दो बार रेस्ट दे सकते हैं, तीन तीन घंटा के बाद दे सकते हैं, बट किसी भी तरीके से वो क्या नहीं होना चाहिए, 10.5 घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओवरलैपिंग शिफ्ट्स आर प्रोहिबिटेड, कार्डे पॉइंट अभी अपने को नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, अगर हम आपसे ज्यादा काम करवा रहे हैं, ओवर टाइम करवा रहे हैं, तो हम आपको उसका एक्स्ट्रा सैलरी भी देंगे, एक्स्ट्रा वेजेस देंगे, कितना, नॉर्मली जितना देते हैं उसका डबल, डबल देन नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। और क्या लिखा, रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड, मतलब वुमेन को सुबह 6 बजे के पहले नहीं बुलाओगे, दिन शुरू होने के पहले नहीं बुलाओगे, और रात खत्म होने के बाद तक रोकोगे। फैक्ट्री में, हाँ ऑफिस में छोड़ो ना, फैक्ट्री में, बात समझ में, इसका बोलने का क्या है, अंधेरे में काम नहीं करना, 6 बजे के पहले मत बुलाना, 7 बजे के बाद रोकना मत, ठीक, तुम लोग को नाइट ब्लाइंड टेस्ट हो जाता है ना। और क्या लिखा है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, यंग पर्सन का मतलब कौन, चाइल्ड प्लस गर्लफ्रेंड, है ना, यंग पर्सन का मतलब चाइल्ड प्लस एडोलसेंट। अब क्या बोला, देखो चाइल्ड का मतलब क्या था, चाइल्ड का मतलब क्या था, जिसका कितना साल पूरा नहीं हुआ, 15 पूरा नहीं हुआ, और एडोलसेंट क्या था, 15 हो चुका है, 18 नहीं हुआ, राइट। अब क्या बोल रहे हैं कि 15 के नीचे वाला क्या है, चाइल्ड, और सुना तो तुम्हारा 14 साल भी पूरा नहीं हुआ है तो तुम काम कर ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है, फैक्ट्री में काम कौन कर सकता है, सर चाइल्ड ही काम कर सकता है, एडोलसेंट भी काम कर सकता है, बट सर 4 साल का बच्चा भी तो क्या हुआ, चाइल्ड, 15 के नीचे, बोला नहीं नहीं बिल्कुल, 14 जिसका पूरा नहीं हुआ है, ही इज और शी इज नॉट अलाउड टू वर्क, बात समझ में आया, तो अगर तुम्हारा 14 साल कंप्लीट हो चुका है तो तुम काम कर सकते हो, समझ में आया, 15 साल कंप्लीट हो गया तो तुम चाइल्ड नहीं हो, क्या हो गए, एडोलसेंट हो गए, तो बेसिकली इस एक्ट के लिए चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, 14 से 15 के बीच वाला, क्योंकि 14 के नीचे तो आपको अलाउड ही नहीं है, कहां लिखा, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन दैट इज 14 इयर्स, 14 साल का बच्चा तो काम नहीं करेगा, 14 साल खत्म नहीं हुआ तुम्हारा, 14 से 15 टेंशन नहीं लेना, तुम्हारा 15 साल खत्म हो चुका तब तो तुम क्या बन गए, एडोलसेंट, 15 भी पूरा नहीं हुआ तो क्या हो, चाइल्ड, अभी तो 14 भी पूरा नहीं हुआ है तो काम नहीं कर सकते, क्लियर। फिर क्या बोले, नॉन अडल्ट वर्कर्स, ये यंग पर्सन को अपने साथ क्या लेके कैरी करना होगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, ठीक, कि भाई हम क्या है, हम काम करने के लिए फिट है, फिजिकल रूप में हमको कोई तकलीफ नहीं, हम काम कर सकते हैं, नॉन अडल्ट, जो अडल्ट वर्कर तो फिट है ही, 20 साल का 22 साल का आदमी तो काम कर ही सकता है, बट तुम 15 साल के हो 16 साल के हो तो जाओ एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेके आओ, ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस तुमको कौन देगा, एक CS, कंपनी सेक्रेटरी नहीं, यहां पे CS का मतलब हुआ सर्टिफाइंग सर्जन, ऐसा नहीं कि CS लोग बच्चा लोग को सर्टिफिकेट बांट देते रहेगा, बात कर ठीक है। और क्या बोला, वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन नॉट मोर देन 4.5 घंटा, आधा, ठीक, वो 9 घंटा काम करेगा, ये 4.5 घंटा काम करेगा, एंड दे आर नॉट परमिटेड टू वर्क ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट, रात में उनसे काम नहीं करवाना। फिर लिखा हुआ है एनुअल लीव विथ
वेजेस, लीव विथ वेजेस क्या हुआ कि अगर आप छुट्टी भी लेंगे तो भी आपका सैलरी नहीं कटेगा। लीव विथ वेजेस, छुट्टी भी लो वेजेस भी मिलेगा, ठीक। कितना, हाउ मेनी डेज, देखो इसका ना बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, लीव विथ वेजेस का बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। यहां पे क्या बोल रहा है, अ वर्कर हैविंग वर्क फॉर 240 दिन, जिसने पिछले साल में कितना दिन काम किया है छुट्टी उसी को मिलेगा, ठीक। और कितना मिलेगा, हर 20 दिन के लिए एक दिन का छुट्टी मिलेगा, 240 240 पिछले साल काम किया हो तो, अगर तुमने लास्ट ईयर 2016 में तुम कितना दिन काम किया, 325 डेज, या मान के चलो काम किया तुम 260 डेज, तो इस साल तुमको लीव्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, यस लीव्स मिलेगा, क्योंकि पिछले साल तुमने काम कितना दिन किया, 240 से कितना लीव्स मिलेगा, 20 दिन पे। इस साल तुम 13 दिन छुट्टी ले सकते हैं, इसमें पैसा नहीं कटेगा। बात समझ में आया, मतलब पिछले साल जितना दिन काम किया होगा उसके हिसाब से छुट्टी मिलेगा। इस साल तुमको 20 दिन 30 दिन 25 दिन मिलेगा फिक्स्ड नहीं है, पिछले साल जितना काम किया उसके हिसाब से। और अगर तुम बच्चे थे चाइल्ड थे तो डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे, हर 15 दिन के लिए छुट्टी मिलेगा। अगर इसी साल कंपनी ज्वाइन किया है तो नहीं मिलेगा, जिस साल तुम ज्वाइन किया उस साल तुमको छुट्टी लेने का अधिकार, पहले तुम पिछला साल काम करो और छुट्टी कमाओ, फिर इस साल उसको यूटिलाइज करो। अगेन इसका भी ना ये इतना सिंपल सा यहाँ पे लिख दिया, इतना सिंपल सा क्राइटेरिया इसका भी है नहीं। एक्युमुलेशन हम बता रहे, तुमको जितना छुट्टी मिला है लीव विद वेजेस, तुमने लीव लिया ही नहीं, प्लस सर हमको छुट्टी नहीं चाहिए, बदले में पैसा दे दीजिए, ठीक। या फिर होशियार, इस साल तुमको मिला 15 छुट्टी, एक दिन की छुट्टी नहीं मनाया, नेक्स्ट ईयर पे 15 मिला छुट्टी नहीं मनाया, ऐसे करके 10 साल तुमको 15-15 दिन छुट्टी मिलते गया, 150 छुट्टी तुम्हारा कल जमा हो गया, तो सर जा रहे 6 महीना बाद आएंगे, तुमको 6 महीना बिना काम कराया पैसा देगा क्या? बात समझ आ रहा है, मैक्सिमम कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, देखो लीव्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, मेरा वर्कर हैज वर्क फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 240 डेज और मोर इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग एनी कैलेंडर ईयर, 240 या उससे ज्यादा दिन अगर आपने काम किया है, ही इज एंटाइटल्ड टू लीव ऑन द फॉलोइंग बेसिस, एडल्ट्स के लिए 20 दिन के लिए एक दिन और चिल्ड्रन के लिए वन डे पर एवरी 15 डेज, ठीक। Accumulation or carry forward of leave. If any worker does not avail any earned leave during the calendar year, आपने इस साल कोई अपना leave use नहीं किया, it can be carried forward to the next year, subject to maximum of 30 days. 30 days for an adult worker and 40 days for a child worker. लिख लो उधर, ठीक। Accumulation of leave 30. 30 किस लिए? अडल्ट के लिए एंड 40 फॉर चाइल्ड, ठीक है। अब यहां पे और बहुत सारा नीचे लिखा है, क्या क्या ऑफेंसेस करोगे, क्या क्या पेनल्टी लगेगा, क्या क्या मिस्टेक पे क्या क्या पेनल्टी लगेगा। बोला कि यहां पे पर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स, कानून तोड़ोगे तो कितना पेनल्टी लगेगा, 2 साल तक का जेल और ₹1,00,000 तक का फाइन और बोथ, और अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो
1000 rupees per day. Now if chapter 4 का कोई mistake है, chapter 4 में क्या चीज का बात लिखा था, safety, chapter 3 में health, 4 में safety, 5 में welfare. तो chapter 4 का अगर कोई default है जिसकी वजह से क्या हो गया इंसान का डेथ हो गया, तुमने सेफ्टी मैसेज नहीं लिया आदमी मर गया, तो कितना रुपए का फाइन देना पड़ेगा पेनल्टी, मिनिमम 25,000, नॉट लेस देन है ना. और अगर किसी को क्या हुआ है सीरियस इंजरी आया है तो मिनिमम 5,000 प्रोटेक्शन. सेफ्टी का ध्यान रखा होगा तो भी ऐसा कुछ, सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा होगा तो ऐसा, सेफ्टी का ध्यान रखा है भी हो गया पर तो नहीं पता चलेगा कि ध्यान रखा है कि नहीं, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर कुछ भी देखा जाएगा. नाउ इसके नीचे बहुत सारा पेनल्टी ना बहुत कुछ दिया हुआ है, उतना टेंशन लेना नहीं है अपने को, ये सब हम लोग एक बार के लिए छोड़ देते हैं. नीचे कुछ लिखा है सेक्शन 41 BCH डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर को कुछ इन्फॉर्मेशन बताना था उसने इन्फॉर्मेशन नहीं बताया, तो ऑक्यूपायर के ऊपर में कितना लगेगा, ऑक्यूपायर कौन होता है, ऑक्यूपायर मींस द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द फैक्ट्री, हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द फैक्ट्री, उसको बोलेंगे ऑक्यूपायर. ठीक, तो उस इंसान को कितना का जेल होगा, 7 साल का, और फाइन कितना का होगा, 2,00,000 रुपए का, एंड कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट होने से 5,000 का पर डे. ठीक, और अगर आपका डिफॉल्ट कितने दिन चला, 1 साल चला, 1 साल, साल भर तुमने ठीक नहीं किया तो जेल कितने का होगा, 10 years एंड कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज फॉर 1 year. बात समझ में आ रहे, कोई टेंशन यहां पे. नीचे बहुत सारा फॉर्म का नंबर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है अपने को, सारा तो पढ़ना नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल. तो देखो एक क्या क्या करना है हमको, फॉर्म टू, ठीक है, फॉर्म टू के अंदर में क्या है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ, आपको फैक्ट्री लाइसेंस बनाने के लिए एप्लीकेशन करना है फॉर्म नंबर 2. लाइसेंस बनाओ या रिन्यू करो, फॉर्म नंबर 5 सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू बी ग्रांटेड बाय सर्टिफाइंग सर्जन. ठीक है, वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का भी एक फॉर्मेट है फॉर्म नंबर 5. फॉर्म नंबर 20 एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म में, फॉर्म नंबर 20 में है. और ये फॉर्म आपको कब तक जमा करना है, इट शुड बी फर्निश्ड बाय द मैनेजर, ऑक्यूपायर नहीं है हा, इट शुड बी फर्निश्ड बाय द मैनेजर टू द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज बिफोर 15 January ऑफ एवरी ईयर. ठीक, पिछले साल का 31 December तक का जानकारी 15 January तक दे देंगे. फिर एक लिखा फॉर्म 21 हाफ ईयरली रिटर्न, हाफ ईयरली रिटर्न कब तक चला जाएगा, 15 July जून तक का डिटेल, जुलाई तक चला जाएगा. बस इतना तक इसके लिए इनफ है. ठीक है, तो फैक्ट्रीज एक्ट हम लोग का यहां पे खत्म हो गया.